Hey guys, this is Pooja Bira and welcome back to my channel. So, आज का वीडियो काफी ज़्यादा फनी होने वाला है because I'll be attempting to recreate pictures of Zara models. Now, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, Zara के वेबसाइट में उनके मॉडल्स कुछ इस तरीके से पोस्ट करते हैं and literally मुझे कपड़ों से ज़्यादा मॉडल्स पे ही ध्यान जाता है. मॉडल बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड प्लीज हुक टू द वीडियो टिल द एंड. मेक श्योर यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर अब तक नहीं किया है तो. ऑल्सो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड यस विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट इन टू दिस video. So the first picture which I would be recreating of Zara model is this picture right here. जैसे कि आप देख सकते हो ये model ने कितना अच्छा अपना flexibility का प्रदर्शन किया है. Although you guys know मैं उतनी तो खास flexible हूँ नहीं but I'll be trying my level best. So let's quickly jump right to the BTS. This video is going to be the most candid video of mine and here we go. मैं background setup करने पे लगी हूँ and I'm trying the pose. जैसे कि मैंने मॉडल को करते हुए देखा था एंड आई एम फीलिंग इट मिजरेबली. ऑल्सो पोज करते हुए तो मुझे अचानक याद आ जाता है कि यार मॉडल के पैर में तो टैटू है तो अपने में तो चुल है ही तो टैटू तो बना लिया मैंने. उसके बाद मैं तुरंत फिर से लगी पड़ी हूँ उठने में गिरने में एंड ये रहा मेरा पलंग तोड़ परफॉर्मेंस. आई होप यू गाइस लाइक माय पलंग तोड़ परफॉर्मेंस सो फार. BTS ने तो आपने देख लिया मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उठ रही थी गिर रही थी एंड आई गेस इट टुक मी अराउंड मोर देन 1 आवर टू क्लिक दिस पिक्चर. ये पिक्चर बट आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ही सिमिलर खींच लिया है राइट फ्रॉम कपड़े बैकग्राउंड एंड द पोज. नाउ व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस पिक्चर राइट हियर डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन. Rated out of 10. Yeah, let's chit chat in the comment section. Next picture जो मैं recreate करने वाली हूँ that's a classic model pose. मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये picture तो मैं आसानी से recreate कर लूँगी. आपको क्या लगता है? Guess मार लो अभी के अभी. And उसके बाद चलते हैं BTS की तरफ. Denim on denim look all sorted. Heels भी sort हो चुका है. I look good, I feel good. And pose का तो खैर क्या ही है. बस हर रोज सुबह जो करते हैं हम वही same pose पे आपको आना है. It was pretty easy for me to recreate this picture. And I hope you guys love the picture too. ये pose recreate करना मेरे लिए इतना difficult नहीं था because इसमें सिर्फ हंगरी वाले posture में बैठना है. And you have to pose like a boss. एंड आई थिंक मुझे अराउंड 15-20 मिनट्स लगे ये पिक्चर क्लिक करने के लिए विच इज़ नॉट बैड एंड पिक्चर भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है मुझे. नाउ व्हाट यू गाइस थिंक रेट इट आउट इन द कॉमेंट्स डाउन. ऑलराइट नेक्स्ट पिक्चर में ये जो मॉडल है काफ़ी अच्छे से पोज कर रही है सिटिंग डाउन ऑन द काउच और कबर्ड या शेल्फ आई डोंट नो कहाँ पे है बट आई थिंक शी इज क्रिएटिंग सच अ नाइस स्टाइल स्टेटमेंट वाइल पोजिंग अराउंड. मुझे लिटरली लग रहा है इट वुड बी प्रिटी डिफिकल्ट फॉर मी अपने पैरों को इतना स्ट्रेचेबल बनाना बट लेट्स सी लेट्स मूव अहेड टू द BTS. सजना है मुझे सजना के लिए. हाँ छोड़ो यार सजना के लिए कौन ही सजने वाला है. मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सज रही हूँ यहाँ पे फेक बैंग्स लगा रही हूँ एंड आई थिंक आई लुक गुड एंड फील गुड. जैसे कि आप देख सकते हो मैं मॉडल को पक्का पक्का सिमिलरली मैच करने की कोशिश कर रही हूँ. बराबर की टक्कर दे रही हूँ या नहीं मॉडल को डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन. एंड हियर वी गो द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज टू पोज सिमिलर टू द मॉडल. नाउ मॉडल के पैर बहुत सुंदर थे बट एज यू कैन सी मेरे पैर पे थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो चुका था विच इज़ वाई आई like it much but I was trying my level best कि at least मैं pose properly कर लूँ. बाद में खैर editing में तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो mistakes है वो सुधार ही सकते हैं and overall I think last में मैंने अच्छा ही काम किया है. so wait for the picture. अगर आप picture में देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके bangs थे ठीक है. अब मुझे भी बैंड्स चाहिए था ऑफ कोर्स बिकॉज आई वांट टू मैच हर स्किल्स. मेरे पास एक नकली बैंड्स पड़े थे घर पे मैंने उसे लगा लिया एंड आई ट्राई टू पोज सिमिलर टू हर बट इतना खास नहीं है. यू गाइज आर द बेटर पर्सन टू जज इफ आई लुक गुड इन बैंड्स और नॉट. सो हियर्स द पिक्चर
Now, I think it is very, very close to the original picture. Do let me know in the comments down what you guys think about it. Next picture is not really awkward, but ekdam standard model pose diya hai. And she have wore a very nice black top with a mini skirt, red color mein. And I had the same thing in my closet. So I thought, yaar, ye picture to mujhe recreate karna hi chahiye. And pose भी थोड़ा बहुत मुझे सीधा साधा लगा, but I'm not sure, मतलब detailing करने जाओ तो कुछ ना कुछ आफत आ ही जाती है. So let's quickly jump right to the BTS. पता नहीं कौन से नौरा फतेही की आत्मा मेरे अंदर आ रही थी. मैं बार बार नीचे झुक रही थी, बाल ऐसे हवे में उड़ा रही थी, एंड वॉज ट्राइंग टू पोज जस्ट लाइक द वे हाउ द मॉडल पोज. जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, मॉडल के जो एक स्लीव्स था वो पूरे प्रॉपरली कवर था एंड दूसरा हाथ वेस्ट पे था. सो आई ट्राइड टू मैच इट एज क्लोज एज आई कुड एंड आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू लव द पिक्चर. तो ये पिक्चर मैं रात के अराउंड 2 बजे क्लिक कर रही थी. मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज लेजिट आई फेल्ट लाइक कि somebody is staring me or something like that. But I am happy with how the final picture turned out. Now do let me know in the comments down what you guys think about this recreation. Next picture is again a black and white one. And इसमें ये जो मॉडल है उसका इतना इंटेंस सीरियस वाला फेस है, भिंडी मेरा तो ऐसा फेस कभी बन ही नहीं सकता. शी इज गिविंग सच सेंशुअल वाइब्स थ्रू आउट दिस पिक्चर. बट लेट्स क्विकली जंप राइट टू द बीटीएस. अरे रे धक धक करने लगा, लिटरली मैं धड़कनी इतनी ज्यादा तेज हो गई थी, मुझे लिटरली लग रहा था यार मॉम अगर पीछे से आ गए, उन्होंने मुझे इस कंडीशन में देख लिया तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद मी. झाड़ू चप्पल सब कुछ पड़ने लगे थे मुझे एक साथ, बट आई मैनेज टू क्लिक सम गुड पिक्चर्स ओनली फॉर यू गाइज. मैं शर्ट से लेके पोजेस से लेके सब कुछ मैं स्ट्रिक्टली करेक्ट करना चाहती थी, बट नसीब में कुछ और ही लिखा है. मुझे काफ़ी टाइम यही डर था कि मम्मी ने ये देख लिया कि मैंने कैसे शर्ट एक साइड से नीचे कर लिया तो बहुत दंडे पड़ेंगे. तो आई एम प्लानिंग टू मेक माई मॉम रिएक्टिंग टू माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स पार्ट 2, जिसमें ये पिक्चर्स तो मैं डेफिनेटली डालूंगी बिकॉज उनको ये डिफरेंट साइड भी दिखेगा मेरा एंड आई रियली वॉन्ट टू नो हर रिएक्शन ऑन दैट. सो इन केस यू गाइज वॉन्ट टू सी दैट, मेक श्योर यू कॉमेंट इन नंबर्स. एंड बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में, तो आई थिंक बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई हूँ. दिस रिक्रिएशन हैज फेल्ड मिजरेबली, बट आई वॉज सो फ्रिकिंग टायर्ड कि बस इतने पैसे में इतना ही मिल सकता है आप लोगों को. दिस रिक्रिएशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट फेमस ज़ारा मॉडल पोज, जिसमें लिटरली आई फील लाइक कि वो हगने बैठी है. आई डोंट नो हाउ डज शी मैनेज टू क्लिक पिक्चर्स लाइक दिस. आई मीन ये पोज से सूझा ही कैसे, बट कमेंडेबल जॉब बिकॉज ऐसे पिक्चर्स रिक्रिएट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. सो लेट्स क्विकली जंप राइट टू द बीटीएस. क्लम्सी तो मैं बचपन से ही थी, ट्रेलर तो आपने देख ही लिया था, पूरी वीडियो भी देख लो. इस वीडियो में मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ राइट फ्रॉम माई कपड़े, माई हेयर, कैचिंग अप विद द पोज. हील्स पे तो लिटरली मेरे पैर दर्द करने लगे थे. एंड ये पोज यार, व्हाट काइंड ऑफ पोज इज दिस? कम ऑन स्टॉप इट पूजा. ओह माय गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू गाइज द पिक्चर, बट BTS से आपको पता ही चल ही गया होगा मैं कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी. एंड दैट पोज एंड मेरे जो कपड़े हैं, मुझे मतलब संभालते संभालते इतना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था. आई डोंट नो, मतलब ऐसा जस्ट That is it for today's video. I hope ये video काफी ज्यादा पसंद आया हो and ये बहुत ही नया kind of content था मेरे channel पे because I have never seen any YouTuber in India doing such kind of recreation. आपको क्या लगता है? In case you guys want part 2, जाके comment करो यार. मैं बैठी हूँ आप ऐसे awkward pose कर करके video बनाने के लिए. So yeah, I'll see you guys next time. Till then take care. Bye bye.